हेलो एवरीवन, ये देखिए आज हम देखेंगे ये वाला सुंदर सा निटिंग का पैटर्न। ये देखने में रेसबेरी फ्रूट जैसा लगता है ये पैटर्न, तो इसीलिए इस डिज़ाइन को रेसबेरी पैटर्न भी कहा जाता है। इसे आप अपने लेडीज स्वेटर में डाल सकते हैं या फिर कोई भी एक्सेसरीज बना रहे हैं तो उसमें आप डाल सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन है। ये मैंने 8 ply ऊल में बनाया है। अगर आप इसे पतले ऊल में बनाएंगे तो ये दिखने में ऐसा लगेगा। ये देखिए कितना खूबसूरत सा पैटर्न है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि इसे हम किस तरह से बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए आपको 4 के मल्टीपल में फंदे लेने होंगे और ये आपका 4 rows का रिपीट पैटर्न है। तो पहला रो हम शुरू करेंगे। तो यहाँ देखें, यहाँ मैंने अभी 16 फंदे डाल लिए हैं और मैंने एक रो यहाँ पे सीधा एक रो बना लिया है। अभी हम शुरू करेंगे रो 1। रो 1 में आपको क्या करना है, जो पहला फंदा है ये पहले फंदे में से आपको 3 फंदा निकालना है। तो पहले हम डालेंगे सुई, फिर ऐसे पहले एक नीट स्टिच कर लिया हमने ये एक फंदा, फिर दोबारा धागा को सामने लाएंगे, फिर एक पर्ल स्टिच करेंगे, उल्टा फंदा बुनेंगे, फिर धागा को सामने लेके जाएंगे और एक सीधा फंदा बुनेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे जो ये 3 फंदे हैं इसे हम 3 फंदों का एक करेंगे, मतलब पर्ल 3 टुगेदर, 1 2 3। इन तीनों को लेंगे, लेने के बाद इन तीनों को एक साथ बुन लेंगे। दोबारा से सेम रिपीट करेंगे। ये एक फंदे में से हम 3 निकालेंगे, पहले सीधा फंदा, फिर ये उल्टा फंदा, फिर दोबारा से एक सीधा फंदा। ये अभी एक फंदे से हमने 3 फंदा बनाया। फिर उसके बाद हम 3 फंदों का एक फंदा बनाएंगे, मतलब पर्ल 3 टुगेदर, इस तरह से 3 फंदों का एक फंदा। और इसी चीज़ को आपको ये रो में रिपीट करते जाना है, मतलब पहले आप एक फंदे में से 3 फंदा निकालेंगे और सेकेंड स्टिच में आप 3 फंदों का एक फंदा करेंगे, फिर दोबारा 3 फंदों का एक फंदा करेंगे, 1 2 3, मतलब पर्ल 3 टुगेदर, इस तरह से, फिर धागा पीछे, फिर दोबारा से एक फंदा में से हम 3 फंदा निकालेंगे, 2 और ये 3, फिर लास्ट में ये जो 3 फंदे हैं इन 3 फंदों का एक फंदा बनाएंगे, इस तरह से। ये अभी हमने रो 1 बना के कंप्लीट किया है। अभी हम बनाएंगे रो 2। रो 2 में आपको हर फंदे को उल्टा बुनना है, मीन्स पर्ल ऑल द स्टिचेस। इन रो 2 वी आर गोइंग टू पर्ल ऑल द स्टिचेस, मतलब हर फंदा को उल्टा उल्टा बुन के ये वाला रो कंप्लीट करेंगे। जो हमने एक फंदा का 3 किया था उसे भी हम हर एक फंदे को हम पर्ल करेंगे, मतलब उल्टा बुनेंगे। ये देखिए, ये वाला हमारा एक फंदे में से 3 किया था, तो हम इसे हर एक फंदे को उल्टा बुनेंगे, 1 2 3, फिर ये भी पर्ल स्टिच, ये भी पर्ल स्टिच, हर एक फंदे को आपको उल्टा बुनना है। और इस पैटर्न में हर रॉन्ग साइड में आपको हर फंदे को उल्टा बुनना है, मतलब इन ऑल द रॉन्ग साइड्स यू हैव टू पर्ल ऑल द स्टिचेस। ये अभी हमारा रो 2 कंप्लीट हो गया है। रो 2 इज कंप्लीट नाउ। अभी हम बनाएंगे रो 3। रो 3 में यहाँ देखिए, जो पहले हमने यहाँ पे रो 1 में एक फंदे का 3 फंदा बनाया था, लेकिन रो 3 में हम शुरुआत कैसे करेंगे, इन 3 फंदों को हम एक साथ बुनेंगे, मतलब पर्ल 3 टुगेदर। फिर उसके बाद ये जो एक फंदा है इससे अभी हम 3 फंदा निकालेंगे, एक फंदे से 3 फंदा बनाएंगे, 1 2, फिर 3। फिर दोबारा इन 3 फंदों को हम एक साथ बुनेंगे, पर्ल 3 टुगेदर। फिर उसके बाद
ये एक फंदे में से तीन फंदा बनाएंगे, मतलब नीट वन पर्ल वन नीट वन फ्रॉम दिस वन स्टिच, नीट वन पर्ल वन अगेन नीट वन. सी वी हैव मेड थ्री स्टिचेस फ्रॉम वन स्टिच. फिर उसके बाद दोबारा तीन फंदों का एक करेंगे, फिर एक फंदे का तीन करेंगे. है ना, काफ़ी आसान ये पैटर्न, इसे आप एक ही बार में सीख जाएंगे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो, और इसको बनाना बहुत ही आसान है. फिर दोबारा ये देखिए, यहाँ पे अभी ये एक फंदा का तीन किया था हमने, तो अभी इसको हमें तीन फंदों को एक साथ बुनना है इस तरह से. फिर लास्ट में ये एक फंदे में से तीन फंदा निकालना है, वन टू फिर ये थ्री. अभी रो थ्री कंप्लीट हो गया है, अभी हम बनाएंगे रो फोर. रो फोर इज सिमिलर टू रो टू, मतलब रो टू के जैसा है रो फोर. इसमें आपको हर एक फंदा को उल्टा बुनना है, मतलब पर्ल ऑल द स्टिचेस इन रो फोर. और ये जो रो फोर है, ये वाला इस पैटर्न का लास्ट रो है. उसके बाद आपको रो वन से रिपीट करते जाना है, तो आपका पैटर्न बनता जाएगा. ये देखिए, अभी हमारे लास्ट के तीन फंदे रह गए हैं, इसे भी हम बुन लेते हैं. ये जो पैटर्न है आपका रॉन्ग साइड में फॉर्म हो रहा है. ये देखिए, यहाँ पे ये हमारा पहला जो पैटर्न है वो फॉर्म हो गया है, और अगर आप इसे कंटिन्यू करते जाएंगे तो आपका पैटर्न बनता जाएगा. आई होप आपको ये वाला पैटर्न अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसे अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट में ट्राई ज़रूर कीजिए. और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू.